हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नीड की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगर हम बात करें कि नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें तो इसमें केवल दो चीज़ें आती हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि इट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है और जो भी हार्डवेयर उसमें अटैच्ड है, सीपीयू है, ये सारी चीज़ें हैं, उन सबको मैनेज करने का काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जैसे हम बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, तो देखिए, अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें कि भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो हो गया प्रोसेसर, ठीक, फिर हो गया आपका मेमोरी, उसके बाद हो गया डिस्क स्पेस कि कितना मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, कितना नहीं है, ठीक है, डिस्क स्पेस हो गया, और ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप कंप्यूटर में। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें या सेल फोन की बात करें, तो सेल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या मैनेज करता है? वो सिंपली मैनेज करता है कि जैसे आपका जो कीपैड है उस चीज़ को, जो सेल फोन में, मोबाइल फ़ोन में आप लोग कीपैड यूज़ करते हैं वो। सेकेंड हो गया आपका स्क्रीन जो रहती है, जनरली टच स्क्रीन होती है उसको। थर्ड है आपका जो एड्रेस बुक रहता है उसमें, जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट सेव करते हैं एड्रेस बुक को, ठीक। फोर्थ हो गया आपका जो डायलर रहता है हमारा, फोन डायलर, जिससे हम नंबर डायल करते हैं उसको, ठीक है। और बैटरी और नेटवर्क कनेक्शन को, बैटरी और नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन, तो इन सब को मैनेज करने का काम मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आदमी कहता है कि इसको फॉर्मेट करा के दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी प्रॉब्लम आती है, चाहे एड्रेस बुक में आ गई, चाहे स्क्रीन में आ गई, चाहे आपके बैटरी में आ गई, तो अगर वो हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो इसका मतलब कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सही होगा। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में या ये जो रिसोर्सेज होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आ जाइए सेकेंड यूज़ पे इसका। सेकेंड यूज़ जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि इट प्रोवाइड्स ए स्टेबल कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशंस टू डील विद द हार्डवेयर विदाउट हैविंग टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर। यस, इसमें क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम एक स्टेबल और कंसिस्टेंट ढंग से हम हार्डवेयर से काम करा सकते हैं, जो भी उसके अंदर रैम, रोम, प्रोसेसर, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन में और चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर में, भले हमें उस हार्डवेयर के बारे में पूरी नॉलेज हो चाहे ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम उससे अपने काम करा सकते हैं। तो ये इसका दो यूज़ होता है और दो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक। अब इसको मान लीजिए, जो पहला टास्क हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट टास्क था हम लोग का, कि रिसोर्सेस को मैनेज करने का फर्स्ट टास्क, उसको अगर हम और कायदे से एक्सप्लेन करें तो द फर्स्ट टास्क मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेरियस प्रोग्राम्स एंड इनपुट मेथड्स कॉम्पीट फॉर द अटेंशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिमांड मेमोरी स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ फॉर दियर नोर पर्पज़। तो देखिए, जो पहला हम लोगों का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जो है कि रिसोर्सेस को मैनेज करने का, ठीक है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई भी, हम मान लीजिए वेरियस प्रोग्राम, कोई भी हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनपुट मेथड, कैसे हमको उसे इनपुट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेमोरी एलोकेशन, कि
कि उस प्रोग्राम के लिए रन कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरी चीज क्या है कि सीपीयू, अटेंशन ऑफ सीपीयू, अटेंशन ऑफ सीपीयू, ठीक है। और चौथी चीज क्या है आपका कि हमको इनपुट आउटपुट के लिए कितनी बैंडविड्थ चाहिए, समझ रहे हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कराएंगे किसी भी कंप्यूटर पे, तो इनपुट मेथड क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन, कितने मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, सीपीयू अटेंशन रिक्वायर्ड है, और इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ। तो ये सारी चीजें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करने के बाद क्या उसकी जो बूटिंग होती है, बूटिंग में वो कंप्यूटर क्या करता है कि सेल्फ टेस्टिंग करता है। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं और उससे अटैच जितने भी पेरिफेरल्स हैं वो सब किस स्टेट में है, उनमें कोई एरर तो नहीं है, आर दे रेडी टू वर्क। तो बूटिंग के अंदर वो सेल्फ टेस्टिंग होती है। तो ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। इन दिस कैपेसिटी द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज द रोल फॉर ऑफ द गुड पेरेंट, मेकिंग श्योर दैट ईच एप्लीकेशन गेट्स द नेसेसरी रिसोर्सेज वाइल प्लेइंग नाइसली विद ऑल अदर एप्लीकेशन, एज वेल एज द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक अच्छे पेरेंट की तरह काम करता है, गुड पेरेंट की तरह। कैसे, कि जब भी हमें कोई एप्लीकेशन रन कराना है, कोई प्रोग्राम रन कराना है, तो वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, सो दैट कि प्रोग्राम हमारा स्मूथली रन कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। तो एक तो ये हो गया आपका पहला टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम सेकेंड टास्क को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड टास्क जो होता है दैट प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट एप्लीकेशन इंटरफेस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ देयर टू बी मोर देन वन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इफ द हार्डवेयर मेकिंग ऑफ द कंप्यूटर इज एवर ओपन टू चेंज, ठीक है। यानी कि जो देखिए इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस ऐसे समझ लीजिए, इंटरफेस का मतलब होता है जब दो चीजों को, या यहाँ पे अगर आप बात करें तो मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है और आपने इसको किसी से, सपोज कीजिए प्रिंटर से अटैच किया, तो ये जो आप जोड़ेंगे इसको दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंटरफेस को भी ध्यान रखता है कि भाई ये जो कंप्यूटर है इससे जो हमने प्रिंटर जोड़ा है वो इसके साथ कॉम्पेटिबल है कि नहीं, पहली चीज। सही पोर्ट पे, सही जगह पे वो जुड़ा है कि नहीं, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि वेदर द प्रिंटर इज रेडी टू वर्क और नॉट। तो ये सारी चीजों का ख्याल ये ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो एरर मैसेज देता है, ठीक है। तो ये दो मेन काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्लियर। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम के यूजेस की, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम यूजेस, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो जो यूज करता है उसमें दो चीज, एक तो होता है प्रोग्राम और दूसरा होता है यूजर, मतलब प्रोग्रामर, ऐसे से आप समझ लीजिए। तो प्रोग्राम जो है वो क्या क्या चीज यूज करता है, वो यूज करता है मेमोरी, मेमोरी, उसके बाद सीपीयू टाइम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं वो ये तीनों चीजें, मेमोरी यूज करता है, सीपीयू टाइम यूज करता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करता है। और जो प्रोग्रामर, प्रोग्रामर मतलब हम लोग, मतलब यूजर, तो प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर जो है आपके प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल यूज करता है, जिन टूल से प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। जैसे पहला क्या है आपका डिबगर, डिबगर जानते हैं क्या होता है, डिबगर होता है बग क्या होता है। अगर हम आपसे बात करें से व्हाट इज बग, आपने सुना होगा बग 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 आ गया, बग आ गया। एक्चुअली बग देखिए कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग मतलब एरर, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो
तो जब भी कोई प्रोग्राम में कुछ एरर आती है तो उसको अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो आप एरर की बजाय आप उसको बोलेंगे बग आ गया है, ठीक है। तो डिबगर क्या करता है, डिबग करता है मतलब इस तरह की एरर्स को दूर करता है। तो प्रोग्रामर एक तो डिबगर यूज करता है, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल हो गया। दूसरा आपका क्या है कि एडिटर्स यूज करता है, भाई एडिटर्स मतलब जहां पे आपको डॉक्यूमेंट कोई भी एडिट करना है, ठीक है। डॉस एडिटर भी होते हैं, आपका विंडो एडिटर भी होते हैं, ये सारी चीजें। तीसरा क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आपको रन करानी है उसका प्रोग्राम। जैसे आपको कोई लेटर बनाना है तो आप एमएस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आपको कुछ अकाउंटिंग का काम करना है, डाटा वाटा मतलब हिसाब किताब अकाउंट्स रखना है, तो आप मान लीजिए आपने कहा एमएस एक्सेल पे कर लिया हमने, या अकाउंटिंग का जो स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है टैली वो यूज़ कर लिया आपने, एक और आता है बीजी के नाम से वो यूज़ कर लिया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज होते हैं उनको ये यूज़र यूज़ करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इतना हो गया। और प्लस अगर उसका काम इंटरनेट से रिलेटेड है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, या जो ब्राउज़र होते हैं, जैसे हमारा आपका ये गूगल क्रोम हो गया जो हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का एक नया जो आया है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये सब वेब ब्राउज़र जो है वो भी कौन इस्तेमाल करता है, यूज़र यूज़ करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो यूजेज होते हैं ये दो तरह के, प्रोग्राम जो हम रन करा रहे हैं वो मेमोरी सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यूज करता है, और प्रोग्रामर जो आदमी ये काम कर रहा है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल जैसे डिबगर हो गया, एडिटर हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, ये सारी चीजें प्रोग्रामर यूज करता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके इसके अलावा और भी जो चीज़ें आती हैं आपकी कि प्रोग्राम किसको जो है सपोर्ट करता है, किसको कंट्रोल करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तो आपको कोई भी नया वीडियो अवेलेबल होगा चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।